वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक सुंदर सा फ्लावर बनाना सिखाऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चैन बनाएंगे। देखिए, आपको जितना बड़ा फ्लावर चाहिए उतनी ही ज़्यादा आप चैन ले सकते हैं। चैन बनाने के बाद फिर हम जो है तीसरे चैन पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दो चैन और इसी में ही एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक दो तीन, तीसरी चैन में एक सिंगल क्रोशिया, दो चैन और इसमें ही हम डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे। तो इस तरीके से ये एक वी शेप का आ जाए बनेगा। तीसरी चैन में फिर से एक डबल क्रोशिया, दो चैन और इसमें ही दोबारा से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से एक पट्टी बनती चली जाएगी। तीसरी चैन में फिर एक सिंगल क्रोशिया, दो चैन एक डबल क्रोशिया दो चैन तो देखिए फ्रेंड, ये इस तरीके से वी शेप में बनना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से वी शेप में बनेगा। तो मैं ये पट्टी पूरी करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम जो है ये इस तरीके लेस बनाते चले जाएंगे। यहाँ पे दो चैन और इसी में फिर डबल क्रोशिया इस तरीके से, फिर तीसरे चैन में फिर डबल दो चैन और इसमें ही डबल क्रोशिया दो चैन और इसी में दोबारा से हम लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये इस तरीके से पूरी एक लेस तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये वी शेप में लेस बनेगी। तो देखिए, ये जो पहला जो है इसमें हम दस डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। तो देखिए इस तरीके से दस डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसमें जो है हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे इस तरीके से इस वाले में, और इसमें फिर दस डबल क्रोशिया छः सात और इसमें जो है हम सिंगल डबल क्रोशिया लेंगे फिर दस
डबल क्रोशिया इसमें। तो देखिए फ्रेंड, इसमें हम सिंगल डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसमें फिर वही 10 डबल क्रोशिया। थोड़ा हमें इसे ढीले उसमें लेना है, तभी हमारा फ्लावर जो है सुंदर बनेगा। दस डबल क्रोशिया इसमें लेना है हमने, तो 5 हो चुके हैं, 6, 7, 8, 9, 10 और इसमें जो है एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से ये पत्तियाँ इसकी बनती चली जाएंगी। देखिए तो बाकी मैं आपको ये करके फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं ये पूरा बना चुकी हूँ। देखिए इस तरीके से पूरी लेस तैयार होगी इसकी। मैंने हर जो है पत्ती में 10 डबल क्रोशिया लिए हैं, एक ये सिंगल क्रोशिया है। इस तरीके से ये पूरा मैंने तैयार किया है। अब हमारा फ्लावर बनेगा। तो देखिए इस तरीके से हम इसे बनाते हुए चले जाएंगे। और फिर यहाँ हम जो हैं इसको सुई की सहायता से सिलेंगे। इस तरीके से तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम इसे पूरा सिल देंगे। इसकी एक एक जो ये पंखुड़ी है इसको पूरा लेते हुए सिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैं ये सिल चुकी हूँ। देखिए ये बनने के बाद कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। देखिए तो फ्रेंड, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको ये फ्लावर कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।